हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 2, दैट इज HCF। सो व्हाट इज HCF? द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हियर H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। सो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ओके, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड टू और मोर देन टू नंबर्स। ओके, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो टू और टू से मोर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते, कॉमन नंबर, एक ही नंबर जो टू या टू से ज़्यादा नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is also known as GCD. GCD means greatest common divisor. So HCF and GCD are both same terms, greatest common divisor and highest common factor. So in this video we will discuss about the methods to find the HCF. So there are three methods to find the HCF. The first is factor method. We have discussed this method in class 5th also. In factor method, to find the HCF of two numbers or more than two numbers, first we will write the factors of each number. For example, I have written a number, I have written two numbers 27 and 36, and now I will find the HCF of these two numbers. Okay, so first I will write the factors of 27. Here factors of 27, you know the procedures to write the factors of 27. We will start the writing factors from the number 1. Here in rough space I have taken, first of all I have taken 1, because 1 is the factor of every number. So 127 is equal to 27. Now the number 2, can 2 divide the 27? No. A 2k table se 27 completely divide nahi hoga. Kyun nahi hoga? Kyunki 27 even number nahi hai. Okay. Next 3. 3 nines are 27. Yes. 3 nines are 27. Next 4 ko check kariye. 4 ke tables mein 27 nahi aayega. 5 bhi 27 ko completely divide nahi karega. Similarly 6. No. 7. No. 8. No. Next is 9. Yes, 9 threes are 27, but 9 is already taken here. Okay, it means जो हमारे पास जो next factors मिलेंगे वो already यहाँ पर आ चुके हैं, तो we will stop here. Okay, so factors of 27 are 1, 3, 9 and 27. So I have written here 1, 3, 9 and 27. These four are the factors of 27. Next I will write the factors of 36. Again at rough space I have written the factors of 36, starting from number 1. Here 1, 36 is 36. Next 2 ke table se 36 divide ho jayega, 2 18s are. Next 3 se bhi ho jayega, 3 12s are. 4 se bhi ho jayega, 4 9s are 36 hote hain. 5 se 36 divide nahi hoga. Next number is 6. 6 6 are 36. अब 6 6 सा 36 हो गए, इट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर होंगे वो सब अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. 6 के बाद 9 आएगा, फिर 9 के आगे 12, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर वो नंबर आ चुके हैं. सो द प्रोसेस इज स्टॉप्ड हियर. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6, एंड वी विल नॉट राइट 6 अगेन, क्योंकि हमने 6 को लिख रही है. 6, 9, 12, 18 एंड 36. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36. नाउ वी विल राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ 27 एंड 36. अब हमें ये देखना है कि 27 और 36 में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं. तो 1 और 1, 127 का भी फैक्टर है और 136 का भी फैक्टर है, इसलिए ये कॉमन हो गया. नेक्स्ट 3 एंड 3, नेक्स्ट 9 एंड 9, और अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो. सो 1, 3 एंड 9 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड
36, बट वी हैव टू फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. ये तीनों तो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं एंड हमें कुछ कौन सा लिखना है, जो हाइएस्ट है. हाइएस्ट मीन जो ग्रेटेस्ट है, और इनमें से जो सबसे बड़ा है दैट इज़ 9. सो 9 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 27 and 36. तो दिस मैथड इज़ द फैक्टर मैथड एंड वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 5th. ओके, दिस फैक्टर इज ऑलरेडी डन. एंड नेक्स्ट मैथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. एज इट्स नेम प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. तो अगेन आई हैव टेकन द सेम नंबर 27 and 36, और हमें फिर से यहाँ 27 और 36 का एस सी एफ फाइंड करना है. बट द मैथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो जैसा इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमने यहाँ पर 27 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन की है और 36 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन की है. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी उसमें अभी हमने की है कि डिवीज़न बाय द प्राइम नंबर्स, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा जो लास्ट नंबर है वो 1 ना हो जाए. ओके, सो 27 को हमने पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से चेक करना है 2. क्या 27 2 से डिविजिबल है? नहीं है. तो हमने 2 को छोड़ के उससे नेक्स्ट नंबर को लिया 3. 3 इज़ द नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 3 कैन डिवाइड 27 कम्प्लीटली. सो हमने 3 के साथ 27 को डिवाइड किया है. इट्स 3 9s are 27. नेक्स्ट अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3s are 9. नेक्स्ट अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3s are 1. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ 27. ओके, नाउ सिमिलरली वी विल राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36. अब 36 इवन नंबर है तो इट शुड बी डिवाइड बाय 2. ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 18s are 36. अगेन 18 इज इवन नंबर, तो फिर से ये 2 से डिवाइड होगा. 2 9s are 18. अब ये 9 इवन नंबर नहीं है इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो वी विल नेक्स्ट चेक द नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज 3. तो 3 कैन डिवाइड 9. सो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36. एंड आई हैव रिटन हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 विच इज 3 × 3 × 3, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं. और 36 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3. ओके, नाउ व्हाट इज एस सी एफ. ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है. एस सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल टेक द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम हेयर. ओके, तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो ये 3 और 3 कॉमन हो गए, तो हमने इसको यहाँ ले लिया. अगेन 3 is here and 3 is here. अगेन 3 कॉमन है तो 3 को मैंने फिर से ले लिया. अब यहाँ 3 है पर इसकी मैचिंग और किसी फैक्टर के साथ नहीं हो रही है. नाउ 3 is not here एंड 2 इधर है तो यहाँ नहीं है, तो इनके जो कॉमन नंबर्स हैं वो नहीं बन रहे हैं, पेयरिंग नहीं हो रही है. सो वी हैव ओनली 2 कॉमन पेयर्स हेयर, 3 × 3. सो 3 3s are 9. तो 9 इज़ द एस सी एफ. तो आपने अभी यहाँ देखा कि हमने सेम ही नंबर लिए थे, और जो हमने अभी फैक्टर मेथड किया था, फैक्टर मेथड में भी हमारा एस सी एफ क्या था, 9. और अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में भी एस सी एफ क्या है, 9. तो मेथड कोई भी अप्लाई करें तो जो हमारा आंसर होगा वो तो सेम ही रहने वाला है. ओके, तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये भी सिंपल है, आपने पहले नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर आपने कॉमन लेना है, और जो कॉमन नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट ही एस सी एफ होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज थर्ड मेथड, दैट इज़ कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड. अब फिर से इसका नाम ही इसको क्लियर कर रहा है, कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड मीन्स हमने इस मेथड में डिवीज़न करनी है, डिवाइड करना है. बट दैट डिवीज़न प्रोसेस शुड बी कॉन्टिन्यूड. वो कॉन्टिन्यू रहेगा, तब तक कॉन्टिन्यू रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए. ओके, तो लेट वी डू इट. करते हैं इसको अगेन. आई हैव टेकन 27 एंड 36. फिर से मैंने वही नंबर लिए हैं, तो मैंने क्या करना है, अब कॉन्टिन्यू डिवीज़न मेथड करने के लिए आई विल डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर. तो मेरे पास यहाँ 2 नंबर थे, 36 और 27. तो इनमें से ग्रेटर 36 हैं, इसलिए मैं 36 को 27 से डिवाइड करूँगी. क्लियर. तो यहाँ 27 1s are 27, 9 इज़ रिमाइंडर. अब जब 9 रिमाइंडर आ गया है,
तो हमारी तो डिवीज़न यहाँ पर स्टॉप होनी जानी हो जानी चाहिए, बट इट इज़ कॉन्टिन्यूड डिवीज़न। अब रिमाइंडर के बाद भी इसको कॉन्टिन्यू करना है, तो उसको कॉन्टिन्यू कैसे करना है, जो रिमाइंडर होगा दैट बिकम डिवाइज़र, उसको हमने क्या बना देना है, डिवाइज़र बना देना है। ओके अब यहाँ पर ये डिवाइज़र हो जाएगा, और जो हमारा नेक्स्ट डिविडेंड होगा, डिवाइज़र जिसके साथ डिवाइड करना है वो तो है, पर जिसको डिवाइड करना है वो कौन सा नंबर होगा, दैट इज़ द प्रीवियस डिवाइज़र। जो पहले डिवाइज़र था वो अब डिविडेंड बन जाएगा, वो अब अंदर आ गया है। ओके तो अब हमने 27 को अंदर लिखा है, तो 9 3 27, तो यहाँ पर अब रिमाइंडर 0 हो गया है। तो ये जो हमारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। ये प्रोसेस तब तक चलता जाता है जब तक हमें 0 नहीं मिलता। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो हमें फिर से इसको, ये जो रिमाइंडर था इसको डिवाइज़र बनाकर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ता। चलो नेक्स्ट हम फिर से कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी, फिर हम इसको देखेंगे। ओके तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 हो गया, इट मीन्स द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। तो व्हाट इज़ द HCF? अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ 0 तो हो गया, HCF कौन सा नंबर है, 9 है, 3 है, 0 है, कौन सा नंबर जो है वो HCF है? तो व्हाट इज़ HCF इन कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड? द HCF इज़ द लास्ट डिवाइज़र। जो लास्ट डिवाइज़र होता है, अब डिवाइज़र तो 27 भी है और डिवाइज़र तो 9 भी है। यहाँ पर फर्स्ट डिवाइज़र था, ये सेकंड डिवाइज़र है, और 9 के बाद तो हमें कोई भी डिवाइज़र नहीं मिला। इट मीन्स द सेकंड डिवाइज़र इज़ द लास्ट डिवाइज़र, सो 9 इज़ द HCF। अगेन हमारा जो HCF था फिर से क्या आ गया, 9। तो हमने तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को किया है, और तीनों में हमारा जो आंसर है वो सेम ही आया है, दैट इज़ 9। तो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ HCF। ओके सो जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट 5, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दीज 3 मेथड्स। तो लेट वी डिस्कस वर्कशीट 5। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर मेथड। ओके तो आपको यहाँ पर फैक्टर मेथड से करना है, तो फैक्टर मेथड कौन सा होगा, वेयर यू हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। ओके आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और फिर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। नेक्स्ट इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, और इसमें आपको जो भी नंबर्स दिए हैं पहले उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए करनी है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट थर्ड इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉन्टिन्यू डिवीज़न मेथड। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में हमने कॉन्टिन्यू डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। तो दीज 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस वीडियो, और जो नेक्स्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ 3 क्वेश्चन, तो लेट वी डिस्कस। हियर आई हैव टेकन द फर्स्ट एग्जांपल, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 5, दैट इज फाइंड द HCF बाय फैक्टर मेथड। ओके तो यहाँ पर मैंने बी पार्ट लिया है, क्योंकि बी पार्ट में यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो हम अब ये मेथड 3 नंबर्स पर अप्लाई करेंगे। तो वेरी सिंपल, ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस ही है। तो फर्स्ट आई हैव रिटन हेयर द फैक्टर्स ऑफ 12, तो मैंने 12 के फैक्टर्स लिखे हैं, सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर रफ में किया है इसको। तो 12 के फैक्टर्स मैंने रफ में यहाँ पर किए हैं, निकाले हैं, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ओके नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 30, फिर 30 के फैक्टर्स लिख लिए हैं। नाउ फैक्टर्स ऑफ 54, 54 के भी सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। ओके आपने फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल प्रोसेस से फाइंड आउट करने हैं, अदरवाइज़ कई बार हम कोई ना कोई फैक्टर जो होता है वो स्किप कर देते हैं, जिससे हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए। ठीक है, तो हम अगर इस वे से फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारा कोई भी फैक्टर स्किप नहीं होगा। क्लियर? तो मैंने अब तीनों यहाँ पर, मेरे पास जो 3 नंबर्स थे इन सब के फैक्टर्स लिखने हैं। नाउ आई विल टेक द कॉमन फैक्टर्स हियर। ओके तो मैं इनके कॉमन फैक्टर ले रही हूँ, यानी यहाँ 1 को 1 को, क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं 1 1 1 तीनों में हैं, तो इट मीन्स 1 इज़ द कॉमन फैक्टर। नाउ 2 फर्स्ट में भी है, 2 सेकेंड में भी है, और 2 थर्ड में भी है, तो इट मीन्स 2 इज़ ऑल्सो द कॉमन फैक्टर।
नेक्स्ट थ्री, थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो थ्री इज़ ऑल्सो कॉमन फैक्टर। अब फोर की बात की जाए तो फोर यहाँ है ना, तो वो सेकेंड नंबर में था और ना ही वो थर्ड नंबर में था, इसलिए फोर कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट मैंने सिक्स को देखा है, तो सिक्स फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, सो सिक्स इज़ ऑल्सो कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट ट्वेल्व को देखिए, ट्वेल्व यहाँ है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इट मीन्स ट्वेल्व भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दीज फोर नंबर्स आर द कॉमन फैक्टर्स, वन टू थ्री एंड सिक्स। एंड व्हाट विल बी द एचसीएफ, हाईएस्ट कौन सा है जो सबसे बड़ा है, दैट इज सिक्स। तो सिक्स इज द एचसीएफ ऑफ 12, 30 एंड 54। ओके, सिमिलरली वी कैन डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगेन आई हैव टेकन हियर थ्री नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है इंडिविजुअली हर नंबर की। 24 की भी मैंने यहाँ प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन की है और 36 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। क्लियर? तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स, यहाँ पर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो क्या थे, 2 × 2 × 2 × 3। क्लियर? नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 2। ओके, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, 36 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इनके कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2 यहाँ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इट मीन्स यहाँ पर 2 के ट्रिपल्स बन गए हैं, ये कॉमन आ गया सब में, तो मैंने 2 को यहाँ ले लिया। अगेन 2 इज़ हेयर, 2 इज़ हेयर, 2 इज़ हेयर, अगेन 2 इज़ कॉमन, फिर मैंने 2 को ले लिया। नाउ 2 यहाँ तो है, यहाँ है, पर ये थर्ड नंबर में 2 नहीं आ रहा है, तो 2 के कॉमन नहीं बन रहे हैं, तीनों में होना चाहिए, ये 3 नंबर्स हैं तो तीनों में ये हमें दिखाई देना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट मेक द ट्रिपल्स। अब अगेन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन बने हैं दैट इज़ 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, इट इज़ द एचसीएफ। सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 3 नंबर्स। थ्री नंबर्स का हमने एचसीएफ फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड एचसीएफ बाय कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड। अब कॉन्टिन्यू डिवीजन मेथड मीन्स डिवाइड करके आपने एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने ए पार्ट लिया है, सबसे पहले ए पार्ट में 345 और 506 हैं, और इस मेथड में हमें ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। 506 को 345 से डिवाइड किया है, तो फर्स्ट टाइम ये वन ज़ा डिवाइड हो गया है, यहाँ पर रिमाइंडर 161 है। अब रिमाइंडर 161 है तो हमें डिवीज़न को कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 0। तो हमने यहाँ डिवीज़न को कंटिन्यू कर दिया। अब 161 तो डिवाइज़र हो गया, और नेक्स्ट जो था वो नंबर कौन सा होना चाहिए था, प्रीवियस डिवाइस जो हमारा डिवाइज़र था 345, उसको हमने डिविडेंड बना दिया है। अब 161 2 × 322 यहाँ पर डिवाइड हो गया, बट अगेन रिमाइंडर इज 23। तो अब 23 रिमाइंडर है, तो हमें फिर से क्या करना है, इस प्रोसेस को डिवीज़न को कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के लिए ये जो रिमाइंडर है वो फिर से क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया, और हमें डिविडेंड चाहिए, और डिविडेंड कौन सा होगा, द प्रीवियस डिवाइज़र। अब इससे पीछे वाले स्टेप में डिवाइज़र कौन था, 161, तो 161 हमें अंदर ले लिया, डिविडेंड हो गया। अब 23 के साथ 161 को डिवाइड किया है, तो 23 × 7 = 161, नाउ द रिमाइंडर इज़ 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, इसको क्रॉस करो, 0 करो, तो अब हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। एंड व्हाट इज़ एचसीएफ, एचसीएफ इज़ द लास्ट डिवाइज़र। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट डिवाइज़र था ये 161, सेकेंड डिवाइज़र था,
और 23 इज़ द थर्ड डिवाइज़र. ओके, सो लास्ट डिवाइज़र कौन है? थर्ड डिवाइज़र दैट विल बी द एस सी एफ. सो 23 इज़ द एस सी एफ. ओके, आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल ऑफ थ्री नंबर्स हेयर. तो बी पार्ट में मैंने यहाँ पर थ्री नंबर्स लिए हैं, 144, 384, 120. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टू नंबर्स को लेना है. कोई भी टू नंबर्स आप चूज कर सकते हो. तो मैंने फर्स्ट टू लिए हैं, आप फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, सेकंड थर्ड ले सकते हो, एनी टू. तो मैंने फर्स्ट टू को ले लिया. तो स्टेप वन, फाइंड एस सी एफ ऑफ टू नंबर्स. तो 144 और 384 को लिया. तो जब 144 को के साथ 384 को मैं डिवाइड कर रही हूँ, मुझे 96 रिमाइंडर मिला है. फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए 144 को मैंने डिविडेंड लिया है, प्रीवियस डिवाइज़र है वो, फिर मुझे 48 मिला है. नाउ द प्रीवियस डिवाइज़र इज़ 96, वो डिविडेंड हो गया और 48 टू ज़ा 96. सिमिलरली सेम प्रोसीजर जो हमने ऊपर किया था वही हमारा यहाँ चल रहा है. तो हमें यहाँ पर एस सी एफ मिल गया, द लास्ट डिवाइज़र 48. तो 48 इज़ द एस सी एफ ऑफ दीज टू नंबर. ये तो स्टेप वन था. अभी हमें हमारा जो एक्चुअल एस सी एफ है वो नहीं मिला, ये तो फर्स्ट टू का है. अब हमें सेकेंड स्टेप करना है, और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो इन टू नंबर का एस सी एफ है उसको मुझे थर्ड नंबर के साथ लिखना है. ओके, नाउ आई विल फाइंड द एस सी एफ ऑफ 48 एंड 120 इन स्टेप टू. तो स्टेप टू में मैंने 48 को 120 थर्ड नंबर के साथ ले लिया है. ओके, तो जब मैंने 120 ग्रेटर था उसको 48 से डिवाइड किया, तो ये 2 ज़ा 96, 24 रिमाइंडर हो गया. इसको फिर से कंटिन्यू किया, 48 को डिविडेंड लिया और 24 2 ज़ा 48, नाउ रिमाइंडर इज़ 0. यहाँ पर मुझे जो एक्चुअल तीनों नंबर्स का एस सी एफ था वो मिल गया. दिस इज़ द लास्ट डिवाइज़र. सो 24 इज़ द एस सी एफ ऑफ दिस थ्री नंबर. सो सिमिलरली यू कैन फाइंड द एस सी एफ ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द पार्ट्स. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी हैं. द थर्ड मेथड इज़ द बेस्ट मेथड. आप इसको स्मॉल नंबर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लार्ज नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन के इसीलिए पार्ट्स भी काफ़ी दिए हैं कि आपको ये मेथड काफ़ी प्रैक्टिस में लेना है. ओके, सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. So thank you very much.